कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटा लेने लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन से दिल्ली के शाही परिवार की सेवा की है, अब वो भी पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। यहां कांग्रेस का हर गुट हर सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने में ही लगा हुआ है। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलितों और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं हरियाणा में जहां भी गया मैंने देखा कि कांग्रेस को कोई भी घुसने नहीं देता। साथियों, कांग्रेस का ये हाल इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा। और कांग्रेस जनता से पूछ रही है, तुम कौन। दिल्ली के शाही परिवार ने झूठ बोलकर हिमाचल के लोगों को फंसा दिया। आज हिमाचल में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और डीए देने तक इनके पास बजट नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।